हापुड़ में थाना सिंबावली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ जवाबी कार्रवाई में एक घायल सहित दो बदमाश गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 500 रुपए नकदी, अवैध असलाह, मारजिंदा व कुआ कारतूस बिना नंबर के प्लेटिना बाइक बरामद। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने अपना नाम यूनुस उर्फ बबलू पुत्र शहीद निवासी ग्राम बैठ थाना सिंबावली जनपद हापुड़ व दूसरा अनीश पुत्र बाबू निवासी ग्राम धवारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद का बताया। गिरफ्तार घायल बदमाश यूनुस उर्फ बबलू उपरोक्त थाना सिंबावली का सीसीटीवी अपराधी है, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित है तथा यह थाना सिंबावली पर पंजीकृत चौकसी के अभियोग में वांछित चल रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव तथा अपराध नियंत्रण की दृष्टि से थाना सिंभावली पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी में खुड़लिया नहर पुल के पास एक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर दो बाइक सवार आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वो रुके नहीं, आगे की ओर जाने लगे। पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उनमें से एक को गोली लगी है। प्राथमिक पूछताछ में उसका नाम यूनुस उर्फ बबलू जो कि वैट सिंभावली का रहने वाला है निकलकर सामने आया है और ये गोकसी के एक मुकदमे में वांछित भी चल रहा है, 10,000 का इनामी भी है और थाना सिंभावली का हिस्ट्री शीटर भी है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है तथा इसका दूसरा साथी जो कि अनीश है जो कि थाना मसूरी गाजियाबाद का रहने वाला है, इसे ये भाग गया था खेतों में जिसे कॉम्बिंग कर पकड़ लिया गया है। इस पे लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं और इनका जो दूसरा साथी है जिसे गोली लगी है उस पे लगभग एक दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके कब्जे से एक बिना नंबर प्लेट की काली बाइक और 2 315 बोर तमंचा, मैं खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और लगभग 500 रुपए बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।